सो मुझे मिला है एक बहुत ही बढ़िया और ज़रूरत की चीज़ ऑन अमेजोन। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक पोर्टेबल कॉम्पैक्ट टायर इन्फ्लेटर। सो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज़ द डब्बा जिसमें आया है ये। सो ये डब्बा को खोल लेते हैं पहले। सो यहाँ एक मैनुअल है, इसको करते हैं साइड। ये भी मैनुअल ही है। और दिस इज द टायर इन्फ्लेटर। सो ये बेसिकली आता है एक पाउच में, सो दैट इट्स ईजी टू कैरी एवरीवेयर। सो इसको खोलते हैं। सो आपको कहीं पे कभी भी ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो इसको इस बैग में डाल के आप आराम से कैरी कर सकते हो। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो ऑन दिस साइड यहाँ पे आपका जो है ट्यूब जो आपके टायर से टायर के साथ कनेक्ट होगा। पीछे जो है यहाँ पे केबल है, वायर है, आपके गाड़ी या आप इसे गाड़ी कार के साथ भी यूज़ कर सकते हो, आप इसके साथ बाइक में भी यूज़ कर सकते हो। सो प्लग इन करने के लिए जो केबल चाहिए वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। सो यहाँ सामने, अगर सामने की तरफ आते हो तो यहाँ पे सेट का बटन है, जहाँ पे आप अपना जो भी PSI है, जितना PSI आप टायर को इन्फ्लेट करना चाहते हो वो सेट करो। उसके बाद जो साइड में है वहाँ पे ऊपर नीचे है, आप टायर का जो प्रेशर है वो ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ इस दो बटन से। बाकी यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं जो कि ऑन और ऑफ का स्विच है, और एक स्विच है जो कि लाइट के लिए, जो कि फ्लैश लाइट। अगर इस साइड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे फ्लैश लाइट भी दिया हुआ है। सो चलिए, ये तो हो गया इसके फीचर्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये टायर इन्फ्लेटर क्यों लिया। सो मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा बाइक का और गाड़ी का दोनों के टायर या तो कम इन्फ्लेट होता है या फिर ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाता है। इस वजह से आपका बाइक का या गाड़ी का टायर का जो लॉन्गिटिविटी है वो कम हो जाता है। और मोर ओवर कभी ऐसा ट्रैवल करते वक्त आप गाड़ी से या बाइक से जब भी ट्रैवल करते हो, कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आपका टायर पंक्चर हो जाए या फिर बाइक का टायर पंक्चर हो जाए या हवा कम हो जाए, तो उस वैसे सिचुएशन में आप आराम से इन्फ्लेट कर सकते हो, ना ही आपको फिर कोई टायर का दुकान ढूंढना पड़ेगा। अब चलते हैं नीचे और इसको यूज़ करके देखते हैं कि कैसा है। सो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक सिगरेट लाइटर जो बाइक गाड़ी में होते हैं, सिगरेट लाइटर वैसा एक सॉकेट चाहिए, जो कि मेरे हिमालयन में नहीं है। इसीलिए मैंने बाइक एंड बाइकर से ये मंगाया है सिगरेट सॉकेट। सो ये मैं इंस्टॉल करूँगा बाद में। सो फिलहाल इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने कार से, फिर उसके बाद कनेक्ट करके फिर हिमालयन के टायर को इन्फ्लेट करके देखेंगे। सो सबसे पहले हम इसके वायर को निकालते हैं, देखते हैं पहले इसका वायर कितना लंबा और ये यहाँ तक आता है कि नहीं। देख के लग रहा है काफ़ी लंबा है, आ जाएगा शायद। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब भी इन्फ्लेट करते हो टायर को इसको यूज़ करते हुए, सो मेक श्योर आप गाड़ी का इंजन जो है वो रनिंग पे छोड़े, क्योंकि अगर आप उसको ऑफ में रखोगे और यूज़ करोगे तो बैटरी पूरा ड्रेन आउट हो सकता है। सो मेक श्योर गाड़ी का इंजन रनिंग पे हो। ये जो प्लग है इसको अभी हम डालते हैं गाड़ी के जो सिगरेट सॉकेट में। सो इसको हमने डाल दिया और अभी हम करते हैं गाड़ी को ऑन। गाड़ी को ऑन हो गया और ये यहाँ पे आपके नंबर डिजिटल आने लग गए। अभी इसको हम अपने गाड़ी बाइक के जो टायर है उस पर सेट करते हैं। सेट करने के लिए हमारे पास दो बटन है ऊपर नीचे का। सो इसको बढ़ा के लेके जाते हैं 31 पे रखते हैं। 31 में सेट कर दिया है, हो गया सेट। अभी इसको लेके जाते हैं हम बाइक तक। सो अभी हमने पाइप को इसके साथ हमारे टायर के नॉब के साथ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे प्रेशर दिखा रहा है अभी 16.5, जो कि बाइक के टायर में हवा का प्रेशर जो है वो 16.5 है। सो अभी हम इसको करते हैं ऑन। तो ये हो रहा है, अगर आप दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो धीरे धीरे हवा का जो प्रेशर है टायर में वो बढ़ रहा है। 29, 30, 31, और जैसे 31 हुआ ये बंद, अपने आप बंद हो गया। सो इसको करते हैं ऑफ हम, इसको निकाल लेते हैं। सो आपने देखा टायर को इन्फ्लेट करना कितना आसान है और चुटकियों में हो जाता है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
Hope you guys like this video. If you did, please hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you.